हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के वक्त के बारे में पूछा। उन्होंने दो दिन और दो रातों में औकात नमाज के मुताबिक मुकम्मल हदीस बयान की और फिर पहली रात में फरमाया, जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन की सफ़ेदी ख़त्म हो जाने पर इशा की अजान कही, नबी करम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज की अकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और दूसरी रात के मुताबिक फरमाया, फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिन की सफ़ेदी ख़त्म होने पर इशा की अजान कही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मौखर कर दिया। तो हम सो गए, फिर हम कई बार सोए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो फरमाया, बेशक लोग नमाज पढ़ के सो चुके हैं और बेशक तुम इस वक्त से मुसलसल नमाज में ही हो जब तुम इसका इंतज़ार कर रहे हो।